नमस्कार। गुजरात के मोरबी में पुल एक्सीडेंट जो हुआ उसके बाद तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और विश्लेषण जो अलग अलग मीडिया द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया। हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं जो 2022 की जो मोरबी घटना हुई और एक 2016 में जो बंगाल में घटना हुई उसका एनालिसिस सुधीश चौधरी द्वारा किया गया है। इससे पहले वो आज तक में काम करते थे, अब जी न्यूज़ में ब्लैक एंड वाइट नाम का शो चलता है। आप दोनों वीडियो देखिए और अंतर करिए कि ये पत्रकारिता किस लेवल तक कही है, इस पत्रकार को क्या कहें, ईमानदार कहें या फिर वो किसी की दलाली कर रहे हैं। देखिए वीडियो पूरा। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद है, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था, जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था, उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच ये है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी उस पर अंधविश्वास दिखाया और यह सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, जो पुल को मेंटेन करने वाली कंपनी है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही होगी। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच सांठ गांठ का पुल बन जाता है तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। अगर आपके घर के पास या आपके शहर में कोई पुल बन रहा है और आप ये सोचकर खुश हैं कि वो पुल आपको ट्रैफिक जैम से निजात दिलाएगा और आने वाले वक्त में आपको आसानी होगी, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो पुल बनने से पहले या फिर बनने के बाद भी एक दिन अचानक आपके ऊपर गिर जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। लेकिन उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके के कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इन लोगों के ऊपर एक पुल का 750 मीटर का हिस्सा आकर गिर गया और 150 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जबकि 18 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है।